यूं तो धर्मेंद्र हेमा एक दूसरे के संग 50 साल से हैं। 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद हेमा धर्मेंद्र ने धर्म बदल कर शादी कर ली थी और इनके गहरे प्यार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दूसरे को कितना समझते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसकी वजह से धर्मेंद्र हेमा से बात तक नहीं करते थे, उनका फोन तक नहीं उठाते थे, उनसे बहस भी करते थे, ऐसा खुद हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया। हेमा ने बताया कि कभी कभी धर्मेंद्र से अनबन हो जाती थी। धर्मेंद्र पहले एक ही चीज से नफरत करते थे कि हेमा किसी और एक्टर के साथ फोटो शूट ना करवाएं। हालांकि बाद में उम्र के साथ धर्मेंद्र की ये चिड़न भी खत्म हो गई, लेकिन जब हेमा से बहस करते थे तो दोनों पास बैठकर बातों से समझौता भी कर लेते थे। शायद इसलिए आज 50 साल से ये जोड़ी एक खूबसूरत रिश्ते में बंधी हुई है। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। यही कारण था कि हेमा मालिनी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी शादी धर्मेंद्र से हो। इसके बावजूद भी हेमा ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी रचा ली। कपल ने 1980 में शादी की थी। कहावत है कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है, ऐसा ही कुछ हाल सनी देओल का है। लोगों को लग रहा है कि सनी देओल ने कदर 2 से बहुत कमाई कर ली है, तो हाँ कमाई तो की है, लेकिन नाम कमाया, प्यार कमाया, लेकिन पैसा नहीं। अगर सनी को गदर 2 से पैसे की कमाई होती तो शायद उनके बंगले की नीलामी की नौबत नहीं आती। सनी की काफी वक्त से फिल्में फ्लॉप जा रही थी, लेकिन सनी के प्रोडक्शन हाउस है जिनसे कमाई तो हो रही थी, फिर भी सनी अपनी फिल्मों को हिट बनाने की लाख कोशिश में जुटे हुए थे, पैसा लगा रहे थे। जी हाँ, कैसे भी फिल्म लोगों को पसंद आए, देश भर में छा जाए, उसके लिए सनी पानी की तरह पैसे बहा रहे थे। इतना पैसा लगाने के लिए उन्होंने 56 करोड़ का लोन तक ले लिया, जिसे चुका नहीं पाए तो उनके बंगले को नीलाम करने के लिए अगले महीने सितंबर की डेट तय कर दी गई। हालांकि किसी वजह के चलते बैंक को नीलामी नोटिस वापस लेना पड़ा। अब सनी देओल ने ऐसा क्या किया कि उनका बंगला एक दिन में ही नीलाम होने से रुक गया? कहा तो जा रहा है कि हेमा मालिनी ने उनकी मदद की है। हेमा मालिनी इसलिए सनी की गदर 2 देखने पहुंची थी क्योंकि उससे पहले ही सनी और हेमा की अच्छी बातचीत हुई और दोनों सौतेले माँ बेटे ने एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाया। हेमा ने माँ का फर्ज अब निभाया। हाल ही में हेमा मालिनी ने सौतेले बेटे सनी देओल की लेटेस्ट रिलीज गदर 2 की खूब तारीफ की और इसे सबसे मनोरंजक फिल्म का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसी खबरें आई थी कि सनी देओल ने अपने पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से शादी करने के लिए ड्रीम गर्ल से गंदी वाली लड़ाई की थी, यहाँ तक उन पर चाकू से हमला किया था। जैसे ये खबर जंगल की तरह फैली, ये पहली बार था कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर सामने आई उन्होंने इस खबर को झूठ बताया। प्रकाश कौर ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि हेमा और धर्मेंद्र की शादी से वो भी बहुत दुखी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की इस तरह की परवरिश नहीं दी कि वो किसी भी महिला पर ऐसे आरोप लगाएं या फिर कुछ गलत बोलें। और उसके बाद आज तक प्रकाश कौर के मुंह से एक शिकायत तक नहीं सुनी। यहाँ तक सनी बॉबी ने भी अपने गुस्से को शांत कर लिया था। और इस बात को 45 साल हो चुके हैं। अब 45 साल में जब गदर 2 रिलीज हुई है तो देओल परिवार में कुछ खुशियां दिखाई दी। हेमा की दोनों बेटियां ईशा आहना अपने सौतेले भाई सनी बॉबी से मिलती दिखाई दी, उनकी फिल्म का जमकर सपोर्ट करती दिखाई दी। हेमा मालिनी भी इस फिल्म को देखने गई, उन्होंने भी सनी देओल की खूब तारीफ की। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा देओल एक्ट्रेस बने। धर्मेंद्र उनके बॉलीवुड ज्वाइन करने के खिलाफ थे, ये खुलासा खुद ईशा देओल ने किया। ईशा ने कहा कि वो एक रूढ़ीवादी पंजाबी फैमिली से आती थी, वहाँ पुरुष घर की महिलाओं को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते थे। हालांकि घर की महिलाएं अपने आप में काफी पावरफुल होती थी, ईशा खुद के दम पर कुछ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 18 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। ईशा ने कहा कि मेरी दादी माँ और आंटी वगैरह सब भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती थी, मैं उन्हीं की देखरेख में पली बड़ी, मेरे अंदर भी खुद से कुछ करने का विचार डेवलप हुआ। यही सोचकर मैंने 18 साल की उम्र में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का फैसला किया। लेकिन जब धूम फिल्म के लिए ईशा को बिकनी पहनने को बोला गया तो ईशा ने फिल्म रोक दी और एक दिन का टाइम मांगा। घर आकर बात की, हेमा ने तो हाँ कह दिया, लेकिन धर्मेंद्र का मुंह उतर गया, वो नाराज हो गए। उसके बाद ईशा ने फिल्में बंद ही कर दी। क्या ईशा ने अपने पिता धर्मेंद्र के लिए अपने करियर से इतना बड़ा समझौता किया? 45 साल बाद देओल परिवार का इतिहास बदलने जा रहा है। जी हाँ, 45 साल से जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। क्या ये सब सनी देओल की बहू दिशा आचार्य के शुभ चरणों का कमाल है, जिनके पैर पड़ते ही घर में एक के बाद एक खुशियाँ मिल रही हैं? वो खुशियाँ मिल रही हैं जिनकी उम्मीद सब छोड़ चुके थे। जी हाँ, हेमा प्रकाश कभी एक दूसरे को अपनाएंगी है, ऐसी उम्मीद हर कोई छोड़ चुका था। धर्मेंद्र भी इस उम्मीद को खत्म कर चुके थे, लेकिन शायद गदर 2 हेमा मालिनी को बड़ा मौका दे गई। हेमा मालिनी अचानक से कैसे गदर 2
देखने पहुंच गई हर कोई शॉक्ड है। हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नहीं देखने पहुंची, लेकिन सौतेले बेटे सनी देओल की गदर 2 देखने पहुंच गई तो हर कोई हैरान रह गया। बात कुछ हजम नहीं हो रही है और न सिर्फ गदर 2 देखने पहुंची बल्कि सौतेले बेटे सनी देओल की जमकर तारीफ की, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जिन हेमा ने 45 सालों से सनी देओल को मुड़कर नहीं देखा था, वो अचानक कैसे सनी देओल की तारीफ कर रही है। देखा जाए तो प्रकाश कौर ही एक ऐसी सदस्य बची है जो हेमा मालिनी से मुलाकात से दूर है, वरना देओल परिवार का हर एक सदस्य हेमा मालिनी से मिल चुका है। क्या प्रकाश कौर हेमा मालिनी को अपना पाएंगी और प्रकाश कौर से मिलते ही हेमा मालिनी की ससुराल में एंट्री हो जाएगी? अब बस उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जब हेमा मालिनी अपने ससुराल में जाएंगी, क्योंकि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हेमा मालिनी ने ससुराल में जाने की प्लानिंग भी कर ली है, वो ससुराल में जाने के लिए खुश भी बहुत हैं। लेकिन बात सिर्फ प्रकाश कौर पर रुक जाती है। क्या प्रकाश कौर की वजह से हेमा मालिनी ससुराल में नहीं जा पा रही है? क्या प्रकाश कौर हेमा मालिनी की एंट्री पर रोक लगा देंगी? क्या प्रकाश कौर ने आज भी हेमा मालिनी को माफ नहीं किया, वो उनसे नाराज है? कहा तो ये भी जा रहा है कि जब हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियां ईशा और आहना को सनी बॉबी के संग शामिल होने को बोला और फिर खुद भी गदर 2 देखने पहुंची, तो वो तीसरी सीढ़ी भी चढ़ जाएंगी। जी हाँ, तीसरी सीढ़ी उनकी प्रकाश कौर को मनाना है। क्या हेमा प्रकाश कौर को मनाने में सफल हो पाएंगी? हेमा मालिनी का नेचर हर कोई पसंद करता है, क्या वो अपने इस स्वभाव से प्रकाश कौर को खुश कर पाएंगी? प्रकाश कौर के आगे अगर हेमा मालिनी घुटने भी टेक दे, सिर झुका दे, तो भी प्रकाश कौर नहीं मानेंगी। इस दिन का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि देओल परिवार में जल्द पार्टी होने वाली और इस पार्टी में हेमा मालिनी आएंगी जरूर। 19 अगस्त 2023 देओल परिवार के लिए बहुत यादगार डेट है, क्योंकि इसी डेट पर हेमा मालिनी ने देओल परिवार से मिलने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाया। भले ही डर कर, हिचक कर, देर से, लेकिन बड़ी तो अपने सौतेले परिवार के लिए हेमा का दिल तो पिघला। जब कल हेमा मालिनी 19 अगस्त को गदर 2 देखने पहुंची तो उनके दिल में अजीब सी उथल पुथल हो रही थी। कुछ डर था तो कुछ सवाल उनके चारों तरफ घूम रहे थे। सवाल ये भी था, क्या सनी देओल को अपना बेटा मानकर हेमा मालिनी गदर 2 देखने पहुंची? और कहीं ना कहीं ये बात सच भी निकली, क्योंकि बरसों बाद सौतेले परिवार से मिलने के लिए हेमा मालिनी की आंखों में आंसू दिखाई दिए, जिसे हेमा ने छुपाने की कोशिश की। कल की कुछ फोटोज सामने आई हैं जिसमें हेमा मालिनी की आंखों में आंसू बहते दिखाई दे रहे हैं। वो अपने सनी देओल को देखकर इतना खुश हुई कि आंसू नहीं रोक पाई, जिससे ये साबित होता है कि हेमा मालिनी ईशा आना की तरह धर्मेंद्र के बाकी बच्चों को भी प्यार करती हैं, लेकिन कुछ हालातों की वजह से वो अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाई। यहाँ उनके आंसुओं से साफ बयां हो गया कि वो आज भी सनी बॉबी और उनके बाकी बच्चों को प्यार करती हैं। हालांकि फिल्म का कोई ऐसा सीन नहीं था जिससे हेमा इमोशनल हो और मूवी हॉल के बाहर उन्हें रोते देखकर हर कोई हैरान रह गया। हेमा मूवी हॉल के बाहर रोते दिखाई दी। बरसों बाद क्या अपनों को देखकर हेमा की आंखें भर आईं या फिर वजह कुछ और थी?